Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार मित्रों, स्वागत करता हूँ सभी का इस YouTube चैनल पर। साथियों, पटवार एवं शिक्षक भर्ती हेतु जो हिंदी व्याकरण की टेस्ट सीरीज चला रखी है उसमें ये टेस्ट नंबर 10 है। मित्रों, संधि का भाग तो आपके लिए लेकर आया हूँ जिसमें बहुत ही शानदार और नए प्रश्न आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। कुल प्रश्नों की संख्या यहाँ पर 30 है, संधि से ही ये प्रश्न है, 30 प्रश्न है, बहुत ही नए और आपको ऐसा लगेगा कि हाँ भाई संधि के इस प्रकार के भी प्रश्न आते हैं। बिल्कुल यूनिक जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मैं देने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं इस शानदार टेस्ट को। प्रश्न नंबर 1 आता है साथियों, अहोरात्र शब्द का सही संधि विच्छेद होगा अहा प्लस रात्र, अहो प्लस रात्र, अहन प्लस रात्र और अहा प्लस रात्रि। तो साथियों, यहाँ पर इसका राइट आंसर बताना है आपको। राइट आंसर क्या है मित्रों? जी बिल्कुल साथियों, यहाँ पे विकल्प नंबर 3 सही है। अहन प्लस रात्र बराबर शब्द बनता है अहोरात्र। व्यंजन संधि के अंतर्गत ये नियम चलता है मित्रों, तो यहाँ पर तीसरा विकल्प सही रहेगा। प्रश्न नंबर 2 देखेंगे मित्रों। दूसरा प्रश्न है, कौन सा क्रम सही प्रतीत होता है? परम प्लस तु परंतु, वांग प्लस में वांग में, भाट प्लस मुख भाट मुख और सत प्लस वेग सदवेग। तो साथियों, यहाँ पर आपको राइट आंसर देना है। इसका राइट आंसर क्या रहेगा? बिल्कुल साथियों, यहाँ पर आपने जिसने प्रथम विकल्प किया है वो बिल्कुल सही है। परम प्लस तु बराबर शब्द बनता है परंतु। देखिए, वांग नहीं होता है, वाक होता है। क्या शब्द होता है? वाक प्लस में होता है, वो वांग में होता है मित्रों। यहाँ पर आपका दूसरा विकल्प सही नहीं है बल्कि आपका प्रथम विकल्प सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 3 देखेंगे साथियों। तीसरा प्रश्न है, मुक्तावली शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? मुक्त प्लस अवली, मुक्ता प्लस आवली, मुक्ता प्लस अवली और मुक्त प्लस आवली। तो साथियों, यहां पर आपको सही आंसर देना है। आपको हो सकता है कि चारों विकल्प आपको सही लग रहे हो, नियम चारों में काम कर सकता है, लेकिन आपको शुद्ध ही देखना है। तो साथियों, इसका शुद्ध आंसर रहेगा, सही आंसर रहेगा, मुक्ता प्लस अवली बराबर शब्द बनता है मुक्तावली। देखिए, मुक्ता का मतलब होता है मोती। क्या होता है? मोती। तो मुक्ता प्लस अवली होगा मित्रों, मुक्त नहीं होगा। मुक्ता प्लस आवली भी नहीं होता है, यहाँ भी आवली है तो ये गलत हो गया। मतलब यहाँ पर ओनली तीसरा ही विकल्प सही है, दीर्घ संधि का ये उदाहरण है। प्रश्न नंबर 4 देखेंगे, इनमें से किस शब्द में संधि अशुद्ध है? तो जो अशुद्ध संधि है वो बताइए, देवी प्लस अवतरण देव्यतरण, स्त्री प्लस उपयोगी स्त्रीपयोगी, अधि प्लस अधीन अध्यधीन और सत प्लस मार्ग सन्मार्ग। तो मित्रों, जिसमें अशुद्ध आपको दिखाई दे रहा है उसका आपको चयन करना है। और साथियों, यहाँ पर अशुद्ध है स्त्री प्लस उपयोगी। ये जो स्त्री उपयोगी है ये गलत है, ये नहीं होगा। स्त्री प्लस उपयोगी बराबर नया शब्द बनता है स्त्री उपयोगी, ये त्रय आधा हो जाता है और यहाँ पर यू ये कि ये यज्ञ वाला लग के उसके छोटे ओ की मात्रा लग जाती है। तो मित्रों, इस प्रकार ये अशुद्ध है। बाकी देवी प्लस अवतरण देवी अवतरण ही होता है, यहाँ पर आपका दूसरा ही विकल्प सही रहेगा। प्रश्न नंबर 5 देखेंगे मित्रों। पांचवा प्रश्न है, सांगोपांग शब्द में कौन सी संधि है? सांग प्लस पांग, सांगो प्लस पांग, स प्लस अंग प्लस उप प्लस अंग और सांग प्लस पांग। तो साथियों, यहाँ पर इसका जो सही आंसर आता है वो रहेगा आपका विकल्प नंबर 3, स प्लस अंग प्लस उप प्लस अंग। स प्लस अंग से तो शब्द बनता है सांग और उप प्लस अंग से बनेगा उपांग। सांग प्लस उपांग बराबर सांगोपांग। मतलब आपका यहाँ पर तीसरा विकल्प सही रहेगा। प्रश्न नंबर 6 देखेंगे मित्रों। छठा प्रश्न है, गीतांजलि शब्द में कौन सी संधि है? गीत प्लस अंजलि, गीत प्लस अंजलि, इसमें बड़ी की मात्रा है, गीता प्लस अंजलि और गीता प्लस अंजलि। तो सोच समझ कर आंसर दीजिए साथियों। तो मित्रों, यहाँ पर जो सही आंसर रहता है वो रहेगा आपका प्रथम विकल्प, गीत प्लस अंजलि बराबर शब्द बन जाता है गीतांजलि। ठीक है, प्रथम ही विकल्प यहाँ पर सही रहेगा। आप अगर नियम लगाना चाहते हो तो नियम तो चारों ही विकल्प में लग जाएगा, लेकिन जो शब्द शुद्ध रहता है वो ही आपका सही आंसर रहता है। प्रश्न नंबर 7 देखेंगे मित्रों। वार्तालाप शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? वार्ता प्लस आलाप, वार्ता प्लस अलाप, वार्त प्लस अलाप और वार्त प्लस आलाप। तो साथियों, यहाँ पर इसका राइट आंसर देखना है। देखिए, नियम यहाँ पर चारों में लागू हो सकते हैं, लेकिन जो शुद्ध है आपको उसका ही चयन करना है। तो साथियों, यहाँ पर जो शुद्ध है वो रहेगा वार्ता प्लस आलाप बराबर आपका शब्द बनता है वार्तालाप। मित्रों, मेरा ये दावा है कि यहाँ पर जो 30 प्रश्न हैं अगर उसमें आप 25 भी कर लेते हो तो आप संधि को बहुत ही शानदार तरीके से जानते हो मित्रों। तो प्रथम विकल्प सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 8 देखेंगे। गुड़ाकेश मतलब जो शिव, इसका अर्थ होता है
शब्द में कौन सी संधि है? गुड प्लस केश गुड़ा, गड़ाके प्लस शे गुड़ाका प्लस ईश और गुड़ा प्लस केश। तो साथियों गुड़ा केश का आपको संधि विच्छेद करना है, इसका राइट आंसर बताइए साथियों। इसका जो सही आंसर आता है मित्रों वो रहेगा गुड़ाका प्लस ईश, बराबर आपके शब्द बनता है गुड़ा केश। प्रश्न नंबर 9 आता है साथियों, 9वां प्रश्न है, इनमें से कौन सी संधि गलत है? पयह प्लस पान पयोपान, रजह प्लस गुण रजोगुण, ऊपरी प्लस उक्त उपरियुक्त और मनह प्लस ताप मनस्ताप। तो यहाँ गलत का आपको चयन करना है कि कौन सा यहाँ पर गलत दिया हुआ है। देखिए मित्रों यहाँ पर आपका जो प्रथम विकल्प है पयह प्लस पान, ये गलत दे रखा है क्योंकि पयह प्लस पान पयोपान नहीं होता है, पयह पान ही होता है साथियों। बाकी तीनों तो सही दे रखे हैं लेकिन प्रथम वाला गलत दे रखा है और आपको गलत ही बताना था, मतलब प्रथम विकल्प यहाँ सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 10 देखेंगे मित्रों, कौन सा शब्द संधि का अपवाद नहीं है? अक्षौहिणी प्रौढ़ गवेंद्र और महेंद्र। तो देखिए साथियों यहाँ पर जो अक्षौहिणी है जो प्रौढ़ है ये दोनों तो गुण संधि के अपवाद है, जो गवेंद्र है ये यहाँ पर भी इसको भी अयादि संधि का अपवाद माना जाता है, और जो महेंद्र है ये किसी भी संधि का अपवाद नहीं है, मतलब आपका जो चौथा विकल्प है वो सही रहेगा। महेंद्र महा प्लस इंद्र महेंद्र, इसमें गुण संधि है, ये किसी भी संधि का अपवाद नहीं है, तो चौथा विकल्प सही है। प्रश्न नंबर 11 देखेंगे साथियों, दीनानाथ शब्द का विच्छेद होगा, दीन प्लस नाथ, दीन प्लस अनाथ, दीन प्लस नाथ और दीन प्लस अनाथ। तो साथियों राइट आंसर का यहाँ पर आपको चयन करना है, जो दीनानाथ शब्द है वो बना है दीन प्लस नाथ, दीनों के हैं जो नाथ वो ही कहलाता है दीनानाथ, प्रथम विकल्प सही है दीन प्लस नाथ। ठीक है, अब आप कहोगे सर इसमें नियम तो लग ही नहीं रहा है, लेकिन कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिसमें नियम नहीं लगता है फिर भी वैसी संधि प्रतीत आपको होती है मित्रों, क्योंकि आप करोगे दीन प्लस अनाथ या दीन प्लस अनाथ, तो अनाथ दिनों का अनाथ थोड़ी दीनानाथ होता है, दिनों का नाथ होता है साथियों, इसलिए यहाँ प्रथम ही विकल्प सही है। प्रश्न नंबर 12 देखेंगे, सत्यानाश शब्द का विच्छेद होगा, सत्य प्लस अनाश, सत्या प्लस नाश, सत्य प्लस नाश, सत्या प्लस अनाश। तो मित्रों यहाँ पर इसका जो सही विकल्प है वो रहेगा विकल्प नंबर 3, सत्य का नाश ही क्या कहलाता है सत्यानाश, तो यहाँ पर तीसरा विकल्प सही रहेगा। अब आप कहोगे कि सर सत्य प्लस अनाश क्यों नहीं हुआ, क्योंकि सत्य का अनाश तो सत्यानाश नहीं होता है, सत्य का नाश होता है, मतलब तीसरा विकल्प सही है, जैसा कि इसके पहले वाले प्रश्न में हमने किया था। प्रश्न नंबर 13 देखेंगे, विश्वामित्र शब्द का विच्छेद होगा, विश्व प्लस अमित्र, विश्व प्लस मित्र, विश्व प्लस मित्र और विश्वा प्लस मित्र। तो साथियों यहाँ पर आपको सही आंसर देखना है कि इसका राइट आंसर क्या रहेगा। जिन्होंने साथियों ने तीसरा विकल्प चुना है विश्व प्लस मित्र, वो ही विश्वामित्र कहलाएगा, विश्व का है जो मित्र वो ही क्या कहलाता है विश्वामित्र, तो तीसरा विकल्प सही रहेगा। आप कहोगे कि सर नियम तो फर्स्ट में लग रहा है विश्व प्लस अमित्र, तो विश्व का अमित्र विश्वामित्र नहीं होता है, बल्कि विश्व का मित्र विश्वामित्र होता है, इसलिए तीसरा विकल्प सही है। प्रश्न नंबर 14 देखेंगे मित्रों, इनमें से कौन सा संधि शब्द अशुद्ध है? तो यहाँ पर भी आपको अशुद्ध संधि शब्द देखना है, सद्धर्म पितृपदेश सदमार्ग और क्षणमास। तो साथियों यहाँ पर आपको राइट आंसर बताना है, इसका राइट आंसर क्या रहेगा? मित्रों इसका जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा सदमार्ग, क्योंकि सदमार्ग शुद्ध नहीं होता है बल्कि शुद्ध होता है सन मार्ग, इस प्रकार से। अब इसमें तो देखो द दवात वाला और मैं मछली वाला आ रहा है, इसमें न नलवाना आना चाहिए, इसलिए ये अशुद्ध है मित्रों। बाकी क्षणमास शुद्ध है, पितृपदेश शुद्ध है और सदधर्म शुद्ध है, तो यहाँ तीसरा विकल्प सही है। प्रश्न नंबर 15 देखेंगे मित्रों, 15वां प्रश्न आता है, इनमें से किस शब्द में गलत संधि विच्छेद हुआ है? संसद का सम प्लस सद, षडानन का षड प्लस आनन, विच्छेद का वी प्लस छेद और दिग्दर्शन का दिग प्लस दर्शन। तो यहाँ पर गलत संधि विच्छेद की यदि बात करें तो जो आपका दूसरा विकल्प है षडानन वाला, इसमें गलत संधि विच्छेद हुआ है, क्योंकि इसमें षड नहीं बल्कि षट आता है, ट टमेटर वाला आना चाहिए था, षड प्लस आनन बराबर शब्द बनता फिर षडानन, बाकी तीनों में तो सही है और इसमें दूसरे में गलत है, और गलत ही पूछा है मतलब दूसरा विकल्प सही है। प्रश्न नंबर 16 देखेंगे मित्रों, निम्न में से किस शब्द में संधि विच्छेद गलत हुआ है? वाग्दत्ता वाक प्लस दत्ता, संसार सम प्लस सार, उहापोह ऊह प्लस आपोह, मनोज मनह प्लस जय। तो यहाँ पर आपका जो तीसरा विकल्प है उहापोह वाला, ये अशुद्ध है, गलत है ये, क्योंकि इसका होता है ऊह प्लस अपोह, बराबर शब्द बनता है उहापोह,
उह प्लस आपोह नहीं होता है, अपोह होता है। बाकी इनमें सही हो रहा है तो ये आपके आंसर नहीं रहेंगे, आपको गलत देखना था और गलत विकल्प नंबर 3 है। प्रश्न नंबर 17 देखेंगे, अन्यार्थ शब्द में कौन सी संधि है, गुण, यण, दीर्घ और अयादि। तो साथियों यहाँ पर गुण, यण, दीर्घ, अयादि 4 विकल्प है। जो अन्यार्थ शब्द है मित्रों, इसका संधि विच्छेद करें तो इसका संधि विच्छेद होता है अन्य प्लस अर्थ, बराबर शब्द बनता है अन्यार्थ, मतलब यहाँ पर दीर्घ संधि का ये उदाहरण है, तो तीसरा विकल्प यहाँ पर सही है। प्रश्न नंबर 18 देखेंगे, 18वां प्रश्न है, निम्न में से किस पद में संधि भी है और समास भी है, जीवन, मरण, पंच तत्व, नीला आकाश और हस्तलिखित। तो साथियों यहाँ पर देखिए, समास तो सभी में है, अब आपको यूँ देखना है कि संधि किस में है। तो यहाँ विकल्प नंबर आपको तीसरा जो दिखाई दे रहा है, नीला आकाश, नीला है जो आकाश, यहाँ पर नीला प्लस आकाश संधि भी हो रही है, समास भी है, मतलब यहाँ पर ये तीसरा ही विकल्प सही है। प्रश्न नंबर 19 देखेंगे मित्रों, विपद जाल में कौन सी संधि है, व्यंजन, वृद्धि, दीर्घ और विसर्ग। तो विपद जाल का संधि विच्छेद कीजिए, इसका संधि विच्छेद होता है विपद, विपद ये प है सॉरी, विपद प्लस जाल, बराबर शब्द बन जाता है विपद जाल, मतलब यहाँ पर ये व्यंजन संधि का उदाहरण है, प्रथम विकल्प यहाँ सही है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 20 देखेंगे, देव्य अर्पण शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, देव प्लस अर्पण, देवार प्लस पण, देवी प्लस अर्पण और देवी प्लस अर्पण। तो साथियों देव्य अर्पण शब्द का आपको संधि विच्छेद देखना है और इसका जो सही संधि विच्छेद होता है वो रहेगा देवी प्लस अर्पण, बराबर शब्द बन जाता है देव्य अर्पण, ये मित्रों यण संधि का है उदाहरण है, तीसरा विकल्प यहाँ पर भी सही रहेगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि ऐसा नहीं है तो बिल्कुल आप नियम के अकॉर्डिंग यहाँ पर संधि कर लीजिए। प्रश्न नंबर 21 देखेंगे, 21वां प्रश्न है, किस कर्मांक में संधि का सही विच्छेद नहीं हुआ है, मात्र प्लस उपदेश, मातृ उपदेश, अनु प्लस एषण, अन्वेषण, नारी प्लस इच्छा, नारीच्छा और पितृ प्लस अनुमति, पितृ अनुमति। तो मित्रों यहाँ पर राइट आंसर देखिए, प्रश्न नंबर 21 में क्या आंसर रहेगा, बिल्कुल साथियों यहाँ पर 21वें प्रश्न में जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा प्रथम विकल्प, मात्र प्लस उपदेश, मात्र उपदेश नहीं होता है बल्कि शब्द होता है मातृ प्लस उपदेश, बराबर शब्द बनेगा फिर मातृ उपदेश, मतलब ये क्या है, गलत है साथियों, और गलत ही आपसे पूछा है तो प्रथम विकल्प सही है। मित्रों बिल्कुल अगर कोई चीज़ आपको गलत लगती है तो कमेंट करके जाए, बिल्कुल संशोधन योग्य हो सकता है, लेकिन मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि कोई भी गलत चीज़ आपको नहीं बताऊँ, फिर भी 99.9% में आपको सही ही बताया जाएगा और बाय चांस 0.1% में अगर कोई गलती होती है तो उसमें संशोधन जरूर किया जाएगा, अगर आपको कोई चीज़ गलत या असहज महसूस होती है तो। प्रश्न नंबर 22 देखेंगे मित्रों, सूर्योष्मा में किस संधि का नियम लागू है, यण, गुण, वृद्धि और अयादि। तो सबसे पहले सूर्योष्मा का संधि विच्छेद याद होना चाहिए, सूर्योष्मा में ये सूर्य ऐसे लिखा ही होता है, सूर्य प्लस उष्मा, बराबर शब्द बनेगा सूर्योष्मा, मतलब यहाँ पर गुण संधि का नियम लागू हो रहा है, दूसरा विकल्प यहाँ पर सही है, ये टाइपिंग मिस्टेक है थोड़ी। प्रश्न नंबर 23 देखेंगे, वाग्दान में कौन सी संधि है, वृद्धि, दीर्घ, व्यंजन, विसर्ग। तो सबसे पहले इसका आपको विच्छेद करना है, वाग्दान का संधि विच्छेद होगा वाक प्लस दान, वाक प्लस दान, व्यंजन के बाद यहाँ पर देखिए व्यंजन ही संधि है, व्यंजन के बाद यहाँ पर व्यंजन आ रहा है, तो मित्रों यहाँ पर व्यंजन संधि ही रहेगी, तीसरा विकल्प यहाँ पर बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 24 देखेंगे मित्रों, 24वां प्रश्न है, निष्फल में कौन सी संधि है, निष्फल में आपको यहाँ पर संधि बतानी है, विसर्ग, व्यंजन, दीर्घ और यण संधि। तो देखिए मित्रों यहाँ पर जो निष्फल शब्द है इसका संधि विच्छेद होता है नीह प्लस फल, बराबर शब्द बन जाता है निष्फल, मतलब ये विसर्ग संधि का ये उदाहरण है साथियों। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 25 देखेंगे, न्यून में कौन सी संधि है, यण, दीर्घ, वृद्धि, अयादि। तो न्यून का संधि विच्छेद बताइए सबसे पहले आप, बिल्कुल मित्रों जिन्होंने बताया है नी प्लस ऊन, बराबर शब्द बन जाता है न्यून और इसमें होती है यण संधि, प्रथम विकल्प यहाँ पर सही है। प्रश्न नंबर 26 देखेंगे, 26 प्रश्न है मित्रों, सख्यागमन का सही संधि विच्छेद कीजिए, सखी प्लस आगमन, सखी प्लस आगमन, सखी प्लस गमन और सख्या प्लस गमन। तो जो सख्यागमन शब्द है इसका जो संधि विच्छेद है वो शुद्ध है सखी प्लस आगमन और इसमें यहाँ पर यण संधि का नियम लागू होता है मित्रों, इसके में यण संधि है, प्रथम विकल्प यहाँ पर आपका सही रहेगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 27 देखेंगे, 27 प्रश्न है,
इनमें से कौन सा शब्द संधि का उदाहरण नहीं है? संसार, अत्यंत, सदाचार और सामाजिक। तो कौन सा यहाँ पर संधि का उदाहरण नहीं है? देखिए, सम प्लस सार व्यंजन संधि है, अति प्लस अंत यहाँ पर यण संधि है, सत प्लस आचार यहाँ पर व्यंजन संधि है, और समाज प्लस एक मित्र इसमें कोई संधि नहीं है, बल्कि इसमें प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, इसलिए यहाँ शब्द चेंजेज हुआ है। तो मतलब आपका चौथा विकल्प यहाँ पर बिल्कुल सही रहेगा साथियों। प्रश्न नंबर 27 में 28 प्रश्न देखेंगे। साधवा चरण का सही संधि उच्छेद है, साध प्लस चरण, साधव प्लस चरण, साधु प्लस आचरण और साध प्लस आचरण। तो साथियों यहाँ पर राइट आंसर बताइए। देखिए मित्रों, प्रश्न नंबर जो 28 है इसका सही संधि विच्छेद होता है साधु प्लस आचरण बराबर शब्द बनता है साधवा आचरण, और इसमें भी यन संधि ही है साथियों। यहाँ पर विकल्प नंबर तीसरा आपका सही है। आज का प्रश्न नंबर 29 देखेंगे। पवित्र में प्रयुक्त संधि है यण, गुण, अयादि और वृद्धि। तो देखिए मित्रों, जो ये पवित्र शब्द है, कई जो हिंदी के जो जानकार है, विद्वान लोग है, वो इसको अपवाद भी मानते हैं, लेकिन मित्रों इसमें अधिकतर बुक्स में इसमें अयादि संधि दे रखी है, जिसका संधि विच्छेद कर रखा है पो प्लस इत्र बराबर शब्द बना रखा है पवित्र। तो मैं भी इसको यही मानकर इसमें अयादि संधि सही बता रहा हूँ, विकल्प नंबर तीसरा आपका सही रहेगा। प्रश्न नंबर 30वां और अंतिम प्रश्न देखेंगे मित्रों। घुड़ दौड़ का सही संधि विच्छेद कीजिए, घुड़ प्लस दौड़, घोड़ प्लस दौड़, घोड़ा प्लस दौड़ और इनमें से कोई नहीं। तो साथियों यहाँ पर घुड़दौड़ जो शब्द है ये दो शब्दों से मिलकर बना है, घोड़ा प्लस दौड़ बराबर शब्द बन जाता है घुड़दौड़। तो प्लीज़ कमेंट करके जरूर जाए, जितने प्रश्न सही होते हैं मुझे ऐसा लगता है कि 30 में से 30 तो शायद ही गिने चुने लोगों के हो, बाई चांस हज़ार में एक या दो के, और जो इसमें से 30 में से 25 भी कर लेता है वो बहुत ही अच्छी मित्रों उसकी तैयारी है। तो कमेंट करें मित्रों, नए प्रश्न मिले या नहीं मिले, नई जानकारी मिली या नहीं मिली, कितने प्रश्न सही हुए। बिल्कुल इसी तरह के वीडियो पाने के लिए चैनल से लगातार जुड़ के रहे। मिलते हैं मित्रों अगले वीडियो में।